हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया। आज मैथ का सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है? क्लास 10 मैथ, ये है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर अपना लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें जो है ना, अगर पेयर ऑफ को छोड़ दें, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशंस किए थे और बाकी इंट्रोडक्शन दोनों का जान गए थे अपना लोग, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे, कल जो है पिछले क्लास में अपना लोग क्या किए थे, होमवर्क दिए थे कुछ, ठीक है? उसमें से एक कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई एक क्वेश्चन बता दो और मैं उसको बना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। 2x + 5y = 3। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसमें y रूल्स हैं, रूल वही है। क्या है रूल? कि एक ऐसी एक को इंडिपेंडेंट मानेंगे, दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। चलो, तो इसी को क्या करते हैं, y को ही इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2x = 3 - 5y। फिर से हो जाएगा therefore x = 3 - 5y / 3, क्योंकि ये सॉरी 2 हो जाएगा ना, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, अपने पास बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, y को इंडिपेंडेंट माने हैं तो लेट करते जाएंगे, लेट y = 1, ठीक है? y = क्या लेट करेंगे, 1 लेट कर देंगे, ठीक है? देखो यहां से अगर y = 1 लेट करते हो तो क्या हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, देयरफॉर लेट के y = 1, देन x कितना आ जाएगा, देन x = 3 - 5 × 1 / 2, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 3 - 5 / 2, यानी कितना, -2/2 करके कितना हो जाएगा, -1, ठीक है? कितना हो जाएगा, -1, ठीक। यहां से x का वैल्यू आ गया कितना, -1। कब, जब y = 1 लिए थे, x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा वैल्यू निकालते, ये पहला वैल्यू निकला था, सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, फिर से लेट करेंगे, लेट x = अब -1 लेट कर लो, क्या लेट कर लेंगे, -1 लेट कर लेंगे, ठीक है? दो तीन को टारगेट पे आ गया है, क्लास में x = कितना लेट कर देंगे, सॉरी y = लेट करेंगे, y = क्या लेट करेंगे, -1 लेट करेंगे, ठीक है? y = -1 लेट किए, x कितना आ जाएगा, x = पुट कर देंगे इस इक्वेशंस में, 3 - 5 × -1 / 2, कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3, -minus + 5 / 2, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8/2, कितना आ गया, 4, दो को निकल गया x का और y का वैल्यू, एक और निकाल लेते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, लेट थर्ड में, देखो कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ से, अगर मान लो y = 2 मानते, 5 × 2 = 10, -3 = 7 हो जाएगा, होगा ना, तो 3 मान लेते हैं, 5 × 3 = 15, -3 कितना हो जाएगा, 12। चलो तो y = कितना लेट कर लेंगे, 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 - 5 × 3 / 2, यानी 3 - 5 = 15 / 2, माइनस करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, -12/2, यानी कितना, काट के -6। अब क्या करेंगे, इसका डब्बा बना लेंगे, ठीक है? इसका क्या करेंगे, डब्बा बना लेंगे, ठीक, इसका डब्बा बना के यहाँ रख दिया, ठीक है? इसका डब्बा बना लेंगे और डब्बा में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, ऊपर में x लिखेंगे। अब देखो अपने अपना जो है क्या है, पहला वैल्यू जो है x = -1 आया था, कब, जब y का वैल्यू 1 था। दूसरा वैल्यू x = 4 आया, कब, जब y का वैल्यू -1 था।
तीसरा वैल्यू x इक्वल टू माइनस सिक्स आया कब, जब y का वैल्यू 3। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? कल बोले थे ग्राफ लेके आने के लिए, लाए हो क्या? नहीं लाए हो, चलो हम बता देते हैं बोर्ड पे ही, अपना लोग तुम लोग घर में कर देना, ठीक है? चलो ये हो गया, ये हो गया ना, ये समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। चल अब इसी से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आता नाइन्थ में कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में क्या करते थे हम लोग, जब पॉइंट रहता था कोऑर्डिनेट का पॉइंट, हम लोग क्या करते थे उसको रिप्रेजेंट कर देते थे ग्राफ में, करते थे ना। अब यहां से जो है ना एक्स वाई करके हम लोग पॉइंट बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा माइनस वन कोमा वन, सेकेंड कोऑर्डिनेट फोर कोमा माइनस वन, और थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस सिक्स कोमा थ्री बन जाएगा। तीन कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट्स बन गया। अब अपने लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे, स्पेस तो है नहीं, पहले इरेज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा क्या? आ रहा है, चल यहाँ पे क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। ये आपका क्या है y एक्सिस, नीचे में क्या हो जाएगा y डैश, और ये आपका x एक्सिस, क्या है x एक्सिस, x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस, और इधर x डैश एक्सिस, ये सब चीज पढ़ा होगा। और बीच में क्या होता है ओरिजिन, बीच में क्या होता है ओरिजिन। तो क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, 0.0 हमेशा याद रखना, कोई भी पूछ सकता है ओरल भी, ठीक है? ओरिजिन कोऑर्डिनेट पर है वो, हाँ पर है, तो बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है, 0.0, ठीक है? चल तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.0, तब इसके राइट साइड में प्लस होता है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1, -2, -3, -4, अप में पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, डाउन में नेगेटिव -1, -2, -3, -4, ठीक है यहां तक? अब जो यहां कोऑर्डिनेट बना के रखे हैं उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1, -1, 1, तो नाइन्थ में जब कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तो हम लोग साइन भी पढ़े थे, इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या था, प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस, ठीक है? ये था। अब चलो उसको अरेंज करते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है -1, 1, इसमें क्या है साइन, पहले प्लस माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें हो जाएगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस वन, तो माइनस वाला को लेके ऊपर बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, वन तक जाएंगे, यही हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा -1, 1, ठीक है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा मिल गया। दूसरा क्या है, 4, -1, 4, -1 किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पे फोर लेंगे, ये जो देखो यहाँ पे ये पहला वाला जो होता है ना ये एक्स पे आता है जिसको क्या कहते हैं एब्सिसा, दूसरा वाला क्या आता है वाई पे आता है जिसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, नाइन्थ वाला भी रिविजन हो गया सारा का सारा, तो इसको क्या बोलेंगे वो सर क्या है 4, -1, तो 4 कहां एक्स पे और -1 कहां वाई पे, 4, इधर से ले जाएंगे -1 पे, जहां दोनों मिलेगा यही पॉइंट हो गया 4, -1, ठीक है -1। दूसरा देखो -6, 3 है, कितना है -6 किस पे एक्स पे और 3 किस पे वाई पे, यानी माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें थोड़े तक लीजिए थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, ये हो गया -5, ये हो गया -6, ठीक है? कितना है -6, 3, तो -6 को आप ले जाएंगे एक्स वाले को कहां तक ले जाएंगे 3 तक ले जाएंगे, ठीक है? 3 को पॉइंट मिल गया अपना। आप एक स्केल ऐसे रख के
एकदम लाइन से खींचना, अगर एक लाइन से आ गया ना तो मतलब तुम्हारा ग्राफ सही है, अगर एक लाइन से नहीं आया तुम्हारा ग्राफ गलत है। ठीक है, यहां से इसको मिलाना, तुम लोग स्केल रख के मिलाना, वैसे ही मिला देते। देखो लगता है मेरा भी एक लाइन से ही आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन फिर भी एक लाइन से ही आ गया। ठीक है, स्केल रख के हम भी मिलाते तो क्या हो जाता है, एक लाइन से ही आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, सॉरी सिर्फ लीनियर पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का भी ग्राफ बनाओगे तो वह कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये अपने पास जो है ना एक इक्वेशंस का ग्राफ बना दिए। ठीक है, किसका ग्राफ बना दिए, एक इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ बना दिए, किसके लिए, टू वेरिएबल वाला। तो बाद में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशंस में लिख देंगे, कितना है 2x plus 5y equal to 3, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अपना लोग को पढ़ना क्या है, पेयर के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कि एक ही को लेके कैलकुलेट किए हैं तो हम पेयर की बात करते हैं। ठीक है, पेयर में बस डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे एक इक्वेशंस का निकाले ना ये सब करके, सेम काम करना है दूसरे इक्वेशंस के, बस सेम, कोई इधर उधर से नहीं करना है। दूसरा इक्वेशन भी दिया रहेगा, उसका तीन को सॉल्यूशंस निकालेंगे, तीन सॉल्यूशंस निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इसी ग्राफ में पुट कर देंगे। ठीक है, इसी ग्राफ में पुट कर देंगे, एक और लाइन आ जाएगा, तब जाके ये बना किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ। ठीक है, रुक जाओ, दूसरा कहीं से जा सकता है, जैसे बनेगा उसमें वैसे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे क्या बोल रहे थे कि वो ग्राफ जो है, दूसरा ग्राफ आया, मान लो दूसरा ग्राफ बनाए और यहां से ये पास कर गया, यहां से, ठीक है, यहां से पास कर गया दूसरा ग्राफ, कोई सा इक्वेशंस है और उसका ग्राफ ऐसे पास कर गया। ठीक है, मान लेते हैं अभी कोई इक्वेशंस का नहीं बना, ऐसे ही बना दिया। अब ये ग्राफ, ये लाइन स्ट्रेट लाइन और इस इक्वेशंस का ग्राफ, दोनों जहां पे कटता है ना, दोनों जहां पे कटता है, यहां पे कट गया, एक पॉइंट पे कटा, एक सॉल्यूशन, नहीं कट रहा है मतलब नहीं है सॉल्यूशन, जितनी बार काट रहा है उतना सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या है, ग्राफी, ग्राफीय मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में यही कहता है कि दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद दोनों इक्वेशन जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वही पॉइंट जो है, वही कोऑर्डिनेट जो है, उस दोनों पेयर का सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया किसी को दिक्कत, फिर से सुनो एक बार, क्या कहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अपना लोगों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। जैसे ये ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये ग्राफ बनाया है, इसी तरह हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद अपने पास क्या आएगा, दो स्ट्रेट लाइन आएगा, कितना स्ट्रेट लाइन आएगा, दो स्ट्रेट लाइन आएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पे कट कर रहा है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा और उस कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, पहले इसको राइट करो, फिर एक पूरा कंप्लीट ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट करो। तो अपना लोग आप क्या करेंगे, कहने दो सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो देखें, अगर एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ग्राफ निकाले थे तो एक निकला था, और दूसरा का भी ग्राफ निकालेंगे दूसरा। पहले रुको, सॉल्यूशन जो है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का दो मेथड से करते हैं, एक होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ लेते हैं, फिर अलजेब्रिक पढ़ेंगे। अलजेब्रिक में तीन मेथड पढ़ना होगा, पहला होगा
सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा इलिमिनेशन और तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इलिमिनेशन में ये सॉरी अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड पढ़ना पड़ता है। एक है आपका क्या नाम लिख देते सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इलिमिनेशन और तीसरा मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीन मेथड इसमें पढ़ना है अलजेब्रिक वाला, ग्राफिकल वाला सिंगल है। तो पहले आज ग्राफिकल खत्म कर देते हैं, कल सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन दो को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले आज ग्राफिकल में चलते हैं, ये लिख लो जल्दी से, हो गया ये इरेज करें, जल्दी करो। सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तीन मेथड है, किसमें अलजेब्रिक मेथड में और ग्राफिकल मेथड एक छोटा, ठीक है। चलो ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर, हेडिंग तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ेंगे आप लोग, ग्राफिकल मेथड देखो जिस तरह से अभी अपना लोग पढ़े लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अगर रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इतना सिर्फ, तब इसकी सॉल्यूशंस का अगर बात करें तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही पेयर वाला को ऐड कर देंगे, इसका पेयर वाला को ऐड कर देंगे, अब इसका तीन तरह का सॉल्यूशन होगा। पहला जो है ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, हो सकता है कि एक सॉल्यूशन हो। दूसरा नो सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है उसका। तीसरा मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, कई सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर पेयर की बात करेंगे उसमें तीन टाइप का सॉल्यूशन होगा, तीन गो आंसर, तीन तरह का आंसर आ सकता है। हो सकता है एक के गो आंसर है, हो सकता है एक से अधिक आंसर आ जाए, या आए ही नहीं, तीनों के केस हो सकता है, तीन केस बनेगा, ठीक है। तो अपना लोग क्या करेंगे, दो मेथड है, एक ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो, बिना ग्राफ बनाए हुए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करें, बिना ग्राफ बनाए हुए बता देते हैं, ठीक है। बिना ग्राफ बनाए हुए हमको कैसे पता चलेगा कि इसका कितना सॉल्यूशन है। देखो अगर मान लो ग्राफ बन गया है, ठीक है, तो ग्राफ बन गया है और ग्राफ जो आ रहा है तुम्हारे पास क्रॉस ग्राफ आ रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ रहा है। कैसा ग्राफ आ रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ रहा है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ रहा है मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी इस दोनों लाइन का, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा वही इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा मान लो ये दोनों ग्राफ जो बना ना वह एक दूसरे का पैरेलल है, कभी टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला नंबर में अगर ओनली वन सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, ठीक है। दूसरा अगर नो सॉल्यूशन है तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और तीसरा अगर मेनी सॉल्यूशन है तो ग्राफ क्या आएगा, कौन साइड, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा, कौन साइड इसको बोलते हैं, ठीक है, कौन साइड, कौन साइड, सी ओ कौन साइड, कौन साइड, सी ओ आई एन एस आई डी, कौन साइड, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। क्या होता है, ओवरलैपिंग ही बोल सकते, नहीं ओवरलैपिंग नहीं बोल सकते, कौन साइड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक जैसे मान लो एक ग्राफ ये है एक लाइन और दूसरा लाइन इसी के ऊपर आ गया, सेम टू सेम वो बहुत, तब उसको क्या बोलेंगे, वन साइड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो क्या, ग्राफ बनाने के बाद अगर ग्राफ हम नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा उसका सॉल्यूशन कितना है। उसके लिए कंडीशन है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्मूला एक बार याद करो, क्या था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरा था ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए वन बी वन सी वन
A2, B2, C2, ये सारा का सारा क्या था? कांस्टेंट था. क्या था? कांस्टेंट था. ठीक है. और X और Y क्या है? वेरिएबल है. ठीक है. तो कंडीशंस देखना है अपने अपना लोग को. तो कंडीशंस जो है ना, हम ये जो कांस्टेंट है इसी को देख के कर देंगे. ठीक है. कैसे कर देंगे? ये जो कांस्टेंट है उसी कांस्टेंट को देख के हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे. कैसे करेंगे? पहला, अगर इंटरसेक्टिंग है तो देखेंगे, यहां से हम निकाल के देखेंगे A1 by A2 बराबर है B1 by B2 का, है कि नहीं? अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर A1 by A2 निकाले और B1 by B2 निकाले, दोनों निकालने के बाद अगर दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग आएगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉरी एक सॉल्यूशन होगा. कितना होगा? एक सॉल्यूशन होगा. कब? जब ग्राफ, जब क्या होगा, A1 by A2 does not equal to B1 by B2 होगा. ठीक है, पहला केस हो गया. दूसरा केस कहता है, मान लो ये पहले बराबर नहीं आया था, अब बराबर आ गया. केस नंबर टू, अब क्या हो गया, A1 by A2 equal to आ गया B1 by B2. ठीक है. अब जो है तीसरा निकाल के देखेंगे, C1 by C2. क्या निकाल के देखेंगे? तीसरा C1 by C2. क्या निकालेंगे? तीसरा C1 by C2. ठीक है. अगर बराबर ये नहीं आया, अगर ये बराबर नहीं आया, तब इसका ग्राफ कैसा